वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक हीलियम प्लस आयन है, उसमें बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है। तो बोल रहा है ऐसा ट्रांजिशन बताइए सच दैट अगर इनिशियली उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वन है, तो आफ्टर ट्रांजिशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकम्स 3 times ऑफ इनिशियल। तो पहले जो है बाद में उसका 3 times हो जाएगा। सो देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम इन टू वी। नाउ यहां पर लेट से इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा, वो वेलोसिटी प्लेस कर देंगे तो हम लोगों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता है, तो ट्रांजिशन के समय लैम्डा विल चेंज बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम। नाउ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय वी नॉट जेड बाय एन। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय वी नॉट जेड बाय एन, इसको मैंने यूज किया है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लैम्डा विल बी एच बाय एम वी नॉट इंटू एन डिवाइडेड बाय जेड। तो सिंपल है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल या एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस स्टेट में है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो यहां से यहां लेट से गया तो मास वही है, वी नॉट तो वही है, एच भी वही है, जेड भी वही है, जेड तो हीलियम प्लस में ही रहेगा ना, टू का टू रहेगा, तो जो चेंज किया एन चेंज किया। इम्प्लाइज दैट लैम्डा एट एन वन बाय लैम्डा एट एन टू विल बी इक्वल टू एन वन बाय एन टू। देखो रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। नाउ बोला है फर्स्ट इज लैम्डा वन एंड सेकेंड इज 3 लैम्डा 1, लैम्डा इन सेकेंड स्टेट इज 3 times लैम्डा 1। तो इम्प्लाइज दैट दिस इज लैम्डा 1 बाय 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू एन वन बाय एन टू। तो क्या आया, ये चला गया, इम्प्लाइज दैट एन वन बाय एन टू इज 1:3। तो हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि जहां ट्रांजिशन होगा द फाइनल स्टेट विल बी थ्राइस ऑफ द इनिशियल स्टेट। सो देखो क्या क्या पॉसिबल है, बहुत सारे पॉसिबल है। हम लोग मान सकते हैं एक ट्रांजिशन होगा 1 से लेके 3, दूसरा ट्रांजिशन होगा 2 से लेके 6, रेशियो 1:3 आना, तीसरा होगा 3 से लेके 9, चौथा होगा 4 से लेके 12। देखो सब में रेशियो 1:3 है। तो इन ऑल दिस ट्रांजिशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बिकम थ्राइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। हम लोग को चारों ऑप्शन देखना है और जो जो ऑप्शन सही होंगे वो सारे ऑप्शन टिक कर देने। क्राइटेरिया सिर्फ इतना है, रेशियो शुड बी 1:3। ठीक है, थैंक यू।